श्री बालाजी साइंस स्टडी सेंटर, बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में मैंने जहां तक आपको बताया था इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, अब मैं वहां से आगे कंटिन्यू करूंगा कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी संख्या से गुणा करेंगे या किसी स्केलर से गुणा करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसे हमें एवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसको पे फोकस करूँ। अगर मान लो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2, 1, 3, 4, और आपको किसी ने निकालने के लिए बोला कि 3A, तो आप 3A कैसे निकालोगे? ठीक है, अगर एक बेसिक बच्चे की तरह अगर हम लोग इसको देखें, यानी 3A, 3 इंटू मैट्रिक्स A 2, 1, 3, 4, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें सबको गुना कर देंगे। इच एलिमेंट में ए 1 by 1 गुना करेंगे, ये आपका 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, और ये हमने क्या निकाल लिया, 3A निकाल लिया, यानी 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में एक सिंपल सा क्वेश्चन आना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर मैंने हर एक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि आपको रटना है नहीं, रटंत विद्या करनी नहीं है। बेसिकली लोग क्या करते हैं, फार्मूला बना देते हैं, रटवाना शुरू कर देते हैं कि बेटा रटो 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 रटो, आपको रटना नहीं है। क्योंकि कहावत है रटंत विद्या घटंत बुद्धि, जिस दिन से रटने की विद्या हो जाएगी उसका अपना खोपड़ी घटना शुरू हो जाएगा। वी आर नॉट कंप्यूटर, वी आर ह्यूमन बींग्स, हमें सोचने और लॉजिक करने का जो है एबिलिटी है। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि आखिर 3 टाइम्स ए का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन क्या है, उसके बेसिक फंडा को अगर देखें कि अगर आपको किसी ने कहा कि किसी बॉक्स में 4 क्वाइंस हैं और ऐसे हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं, तो हमारे पास टोटल क्वाइंस क्या हो गए, 4 + 4 + यानी इक्वल्स टू 12। लेकिन अगर इसी को दूसरे तरह से देखा जाए, अगर हमारे पास एक बॉक्स में 4 क्वाइंस हैं और हमारे पास 3 बॉक्स है, तो आप इसी को 4 × 3 लिखते हैं और इसी का वैल्यू भी कितना होता है, 12। तो 4 × 3 का मतलब है कि 4 को 3 टाइम्स ऐड करना है। मल्टीप्लीकेशन इज जस्ट ए रिपीटेड एडिशन, मल्टीप्लीकेशन क्या है, एक रिपीटेड एडिशन है। ठीक है, ये कोई नया अर्थमेटिकल ऑपरेशन नहीं। तो अगर आपको किसी ने कहा 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका मतलब क्या है बेटा, 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए का मतलब है ए प्लस ए प्लस ए, यानी आपको मैट्रिक्स ए को 3 टाइम्स ऐड करना है। तो ऑब्वियसली आप यहां से अगर इन्फर करोगे, यानी हमारे पास क्या था मैट्रिक्स 2, 1, 3, 4 + 2, 1, 3, 4 + 2, 1, 3, 4, तो अगर आप इसको 2 को 3 टाइम्स जोड़ोगे तो ऑब्वियसली 2 × 3 होगा। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे ही देख लेते हैं 2 × 3, ठीक है बेटा, फिर अगर करोगे तो 1 × 3, फिर इसको करोगे तो बेटा क्या लिखोगे, 3 × 3, और इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, 4 × 3। तो हमने क्या किया कि इस इतने इंटरमीडिएट स्टेप को हमने गायब कर दिया, बीच का सारा स्टेप गायब कर दिया, और फिर मैंने फाइनली रिजल्ट बता दिया कि कुछ नहीं करना है, आपके इंडिविजुअल एलिमेंट में सबको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में किसी कांस्टेंट से गुना करने का क्या सेंस बनता है, क्लियर हो गया होगा? तो यानी कि आपको क्या करना है, मैट्रिक्स का जब भी कोई मल्टीप्लीकेशन बोलेगा तो उस मैट्रिक्स के हर एक इच एंड एवरी एलिमेंट में सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। हम लोग इसको डेफिनेशन के रूप में दे सकते हैं कि इफ ए इक्वल्स टू ए आई से एम क्रॉस एन, देन के के इंटू ए आई से एम क्रॉस एन। देखिए ऑर्डर बिल्कुल भी डिफर नहीं कर रहा है, इस के को आप हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करोगे तो के आई से एम क्रॉस एन, और यही हमारा डेफिनेशन हो गया मैट्रिक्स में किसी स्केलर के मल्टीप्लीकेशन का। तो करना क्या है स्केलर मल्टीप्लीकेशन में, उस स्केलर से हर एक एलिमेंट में गुना कर देना। ठीक है बेटा, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ और फिर हम लोग इस पर कुछ 2-3 क्वेश्चन बना लेंगे, फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़ेंगे। अगर मान लो कि बेटा ए बराबर दे दिया हमारा 1 - 1, ज़्यादा बड़ा मैट्रिक्स मैं नहीं ले रहा हूँ,
4a निकालने के लिए करें, यानी 4 इंटू माइनस 1, 4, 2 इंटू 2, 3, तो आप सिंपली सब में मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस 4, 16, 8 एंड 12, और ये आपका निकल गया 4a। बिल्कुल दिमाग नहीं लगा। चलिए अब हम लोग आपको तीन एग्जांपल देके बताते हैं कि हम लोग अभी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यूज़ देखना है कि किस तरह से हम लोग एग्जांपल में यूज़ करते हैं, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको एज़वली मिलेगा। तो हमारे पास तीन मैट्रिक्स है, ए बी एन सी, और सभी का ऑर्डर 2x2 है, यानी कि ये एडिशन के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है, कन्फर्मेबिलिटी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो हमें तीन वैल्यू इवेल्यूएट करना है, a माइनस 3b, a प्लस 2b एंड a प्लस b माइनस 2c। ठीक है, हम लोग तीनों वैल्यू को इवेल्यूएट करेंगे। तो हम लोग एक एक करके तीनों एग्जांपल को क्लियर करते हैं। a का मतलब कितना बेटा, माइनस 1, 2, 3, 9, और माइनस 3 टाइम्स ऑफ b, b का वैल्यू कितना है, 4, 6, 2 और 3। अब आपको इसको सॉल्व करने का अपना अपना मेथड होता है लोगों का। कुछ लोग करते हैं क्या है कि बेटा माइनस अगर साइन है तो क्या करते हैं कि थ्री को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, मैं थोड़ा अलग तरीके से इसको करूँगा। हम लोग अगर निगेटिव से मल्टीप्लीकेशन जब भी करना हो तो टोटल को साइमल्टेनियसली निगेटिव सहित मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ प्लस का चिन्ह दे देंगे, तो माइनस 3 को अगर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 होगा, माइनस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 18 होगा, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 होगा, और माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9 हो जाएगा। अब क्या हो गया कि आपको यहाँ माइनस करने का झंझट खत्म हो गया, आप सिंपली आपको ऐड कर देना है। ठीक है, और एडिशन तो आपको बेसिकली आ ही रहा है, माइनस 1 और माइनस 12 सेम साइन का है, एडिशन होगा तो माइनस 13 हो जाएगा, 2 और माइनस 18 तो आपका माइनस 16 हो जाएगा, और 3 और माइनस 6 तो आपका माइनस 3 हो जाएगा, और 9 और माइनस 9 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 0, और ये हमारा वैल्यू निकल गया a माइनस 3b का। ठीक है, माइनस वाले में क्या करना है, मेरा जो अपना फंडा है, निजी फंडा है, क्या करता हूँ मैं, अगर मल्टीप्लाई करना है, अगर हमें मल्टीप्लाई ही करना है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखेंगे पॉजिटिव वाला निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है, आओ बेटा अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ए का वैल्यू आपका माइनस 1, 2, 3, 9 दिया हुआ है, और 2 टाइम्स ऑफ पी दिया हुआ है, यानी 4, 6, 2, 3 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे माइनस 1, 2, 3, 9, और यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ चूँकि पॉजिटिव साइन है, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स 2 कर देंगे, 12 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सिंपली ऐड कर लो इसको, 7, 14, 7 और 15, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब आओ यहाँ पे, यहाँ पे अगर आप लिखोगे a का वैल्यू, देखो बेटा कितना है, माइनस 1, 2, 3, 9, b का वैल्यू देखो बेटा 4, 6, 2, 3, माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1, 0, 0, 1। ठीक है, आप इसको ऐड कर सकते हो, ऐड कर ही लो, 3, 8, 5, 12, माइनस के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2, 0, 0, -2, अब इसको ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, इस दोनों को ऐड करने के बाद 1, इसको ऐड करोगे तो 8, इसको ऐड करोगे 5, और इसको ऐड करोगे तो 10, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो मैं इस बात को उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यानी मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो कौन कौन से प्रॉपर्टी को अवे करता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा इसको ब्रॉडली सब लोग डिस्कस नहीं करते, मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, और एक आध प्रॉपर्टी होगा तो इसमें प्रूफ करके देखूंगा कि ये वैलिड है या नहीं, ये प्रॉपर्टी है वैलिड तो क्यों है और कैसे, इसे मैं देखूंगा। तो चलो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। यूजुअली हम लोग 8 स्टैंडर्ड्स, 8वीं क्लास से ये सब पढ़ते आ रहा है कि 2 + 3 बराबर 3 + 2, दोनों बराबर ही होता है। ठीक है बेटा, लेकिन इसका एक नाम था, क्या नाम था इसका, कम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि ये नंबर पे वैलिड है, क्योंकि हम लोग नंबर को काउंट कर सकते हैं कि यानी 2 आम + 3 आम उतना ही 3 आम + 2 आम, ये तो प्रैक्टिकली नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये रूल मैट्रिक्स के
पे लागू होगा, लेकिन हाँ हमारा आंसर है हाँ बिल्कुल लागू होगा। और कैसे लागू होगा इसे मैं इस पूरी प्रॉपर्टी के बाद डिस्कस करूंगा, कम्यूटेटिव लॉ कैसे वैलिड है, लेकिन ये आपका मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो भी कम्यूटेटिव लॉ को अवे करता है। उसी तरह से ये एसोसिएटिव लॉ है, हम लोग जानते हैं एसोसिएटिव लॉ में क्या है। यहाँ एसोसिएटिव लॉ का मतलब है कि हमारे पास तीन मैट्रिक्स है, इसमें पहले बी और सी को ऐड किया गया, बाद में ए में ऐड किया गया, लेकिन यहाँ इसके राइट साइड में देखो ए और बी को पहले ऐड किया गया और बाद में सी को ऐड किया गया। तो इस रूल को भी मैट्रिक्स का एडिशन फॉलो करता है, एसोसिएशन को भी फॉलो करता है। ठीक है, आपके पास तीन मैट्रिक्स है तो पहला दूसरे को जोड़ के तीसरे से जोड़ो, या पहले में दूसरे और तीसरे को जोड़ के जोड़ो, तब भी इसका रिजल्ट जो होगा वो हमेशा क्या आना है, सेम आना है। अब जो ये तीसरा प्रॉपर्टी है ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम। ठीक है बेटा, इसको हम लोग बंटन नियम कहते हैं, यानी मैट्रिक्स का जो रूल है एडिशन का वो बंटन नियम का भी पालन करता है, लेकिन ये बंटन नियम है वो किसी स्केलर पे है, वेयर के इज ए स्केलर। ठीक है बेटा, तो k ये स्केलर है, यानी k आपका स्केलर है। तो हम लोग इस दोनों प्रॉपर्टी को वन बाय वन देखेंगे और इस तरह से देखेंगे कि ये दोनों प्रॉपर्टी अगर वैलिड है तो बाद बाकी आप घर पे खुद से भी ट्राई करके देख सकते हो कि बाकी प्रॉपर्टी इसमें वैलिड होगा या नहीं होगा। ठीक है बेटा, अब तीसरा प्रॉपर्टी आपका है वो आपका कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। यानी एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब हम लोग पढ़े थे 8th स्टैंडर्ड या 9th या 10th में भी पढ़े थे कि वैसा नंबर जिसको किसी नंबर में ऐड करने के बाद रिजल्ट भी उतना ही हो तो वैसे नंबर को एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं एडिटिव। तो ये जो आपका जीरो है वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन एडिशन भी जो है वो जीरो पे एडिटिव आइडेंटिटी रूल को फॉलो करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट भी हमारा उतना ही होगा जो हमारा प्रीवियस मैट्रिक्स था। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो आपका क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी ऐसे मैट्रिक्स को ऐड किया जाए जिसका रिजल्टेंट जीरो हो तो जो सेकेंड मैट्रिक्स है वो फर्स्ट मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। ठीक है, और उसको नेगेटिव मैट्रिक्स भी कहते हैं। वही बात मैंने लिखा है, बी इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए और एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, यानी कि योगात्मक प्रतिलोम जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो बी जो है वो ए का योगात्मक प्रतिलोम है, उसी तरह से ए जो है वो बी का योगात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, यानी कि आपके मैट्रिक्स का भी इनवर्स पॉसिबल है, एडिटिव इनवर्स पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद ये जो छठा रूल कहता है बेटा कि अगर ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी तो हम लोग यहां से ए मैट्रिक्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और ये कहलाता है लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, क्योंकि हमने यहां इसको लेफ्ट साइड से रिमूव किया है। किस साइड से रिमूव किया है, लेफ्ट साइड से। और इस रूल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ के नाम से जानते हैं। और सिमिलरली अगर बी प्लस ए और सी प्लस ए है तो हमने इसे राइट साइड से रिमूव किया है, तो ये क्या कहलाता है, राइट कैंसलेशन लॉ। यानी कि मैट्रिक्स में अगर दोनों साइड में इक्वेशन के दोनों साइड में अगर सेम मैट्रिक्स को रिमूव करेंगे तो या तो वो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ को अवे करेगा या तो वो राइट कैंसलेशन लॉ को। तो चलिए हम लोग अब देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ को, और कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन और बी इक्वल्स टू बी आई जे एम क्रॉस एन, क्योंकि हम लोग इसको सेम ऑर्डर का जब तक नहीं लेंगे तब तक एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब इसके एलएचएस को अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या बेटा हमारा एलएचएस थोड़ा बताओगे, छः एक स्टेप बढ़ा देते हूँ आपके लिए, ए प्लस बी लिख देता हूँ मैं, यानी ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। एडिशन वाले रूल में मैंने बताया था कि इसको सिंपली ऐड कर देना है, ए आई जे को बी आई जे से ऐड करना है। ठीक है, और ये एम क्रॉस एन है। ठीक है, ये जो हमारे दिया गया ए आई जे और बी आई जे एलिमेंट है, हम लोग मैट्रिक्स का डेफिनेशन से जानते हैं या तो ये रियल नंबर होगा या तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या तो फंक्शन होगा। क्योंकि रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और फंक्शन हमारे कम्यूटेटिव लॉ को अवे करता है, तो बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ रियल नंबर हम लोग इसको क्या करते हैं, कम्यूटेट कर सकते हैं। यानी बी आई जे प्लस ए आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, क्योंकि नंबर जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो जिस तरह से हमने एडिशन में इन दोनों को कंबाइन किया तो अब इसको हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं।
तो जैसे इसको हम लोग सेपरेट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं बताइए, बी आई जे एम क्रॉस एन प्लस ए आई जे एम क्रॉस एन, दैट इंप्लाइज बी प्लस से, जो कि हमारा राइट साइड का चीज है। इस तरह से हमने देखा, एक बार फिर से मैं इसे बता दूं कि हमने कुछ नहीं किया, इसका राइट साइड लिया, ए का वैल्यू डाला, बी का वैल्यू डाला, सिंपली जो हमारा एडिशन का रूल है हमने उस रूल को अप्लाई किया। चूंकि ये नंबर्स हैं और नंबर तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, तो हमने इसे कम्यूटेट कर दिया। और अब हम लोग चूंकि क्या करते हैं कि एडिशन में जब कंबाइन कर सकते हैं तो उसे सेपरेट भी कर सकते हैं, तो हमने इसको सेपरेट कर दिया। और इसका सिंबल देखिए, ये बी है और ये आपका क्या है, ए है, यानी ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स का एडिशन भी कम्यूटेटिव लॉ को ऑब्वे करता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देखेंगे। हमारे पास ए बराबर, मान लो हमारा सेम कंडीशन है, हम लोग इसको ज़्यादा नहीं बढ़ा के यहीं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देख लेते हैं, इसी से ए और बी एज्यूम करके जगह थोड़ा कम लगेगा। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, इसको ए मान लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है के इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू के ए और के बी, ठीक है बेटा। इसका लेफ्ट साइड ले लो आप, के इंटू ए प्लस बी, और हम लोग अब ऑर्डर को मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि ऑर्डर पहले से पता है कि दोनों का ऑर्डर सेम है। ए को लिख सकते हो आप ए आई जे और बी को लिखोगे बी आई जे, ठीक है बेटा। अब चूंकि ये एडिशन के रूल को ऑब्वे करता है तो के ये एडिशन के रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, एक सिंगल टर्म ही बना देते हैं इसको, ए आई जे बी आई जे, ठीक है बेटा। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें क्योंकि आपको पहले एडिशन करना है, तो हमने इस दोनों को ऐड कर दिया। अब चूंकि ये कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन को मैंने बताया अभी जस्ट कि ये जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जैसे ही ये अंदर जाएगा तो के इंटू ए आई जे और प्लस बी आई जे, ठीक है बेटा। चूंकि ये नंबर्स हैं, दीज आर नंबर्स, फंक्शंस, रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर या फंक्शन है, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ये तो बंटन नियम का पालन करता है, नंबर्स आर ऑब्वियस द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को चूंकि फॉलो करते हैं तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो के इंटू ए आई जे प्लस के इंटू बी आई जे, ठीक है बेटा। अब हम लोग जस्ट इसको रिवर्स करेंगे, और रिवर्स जैसे हम लोग क्या किए थे, यहां पे अलग किए थे, तो इसको सेपरेट करेंगे, तो k इंटू ए आई जे प्लस के इंटू बी आई जे, ठीक है बेटा। अब चूंकि जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हो किसी स्केलर से, तो जब वो मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वहां से हर एक से वो कॉमन भी आ सकता है। तो हम अगर इसमें से सब में से कॉमन निकाल लेंगे तो के ए आई जे प्लस के बी आई जे, और सिंबॉलिकली अगर इसको देखा जाए बेटा तो ये आपका के ए है और ये आपका के बी है, और इसी को तो हम लोग इसका आरचेस कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।